नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासी आरक्षण को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार बदनीयति और लापरवाही के कारण आरक्षण के खिलाफ फैसला आया है और बेशर्मी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चक्का जाम और आंदोलन की नौटंकी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो वे अपनी पूर्ववर्ती सरकार की गलती के लिए राज्य के आदिवासी समाज से माफी मांगे। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आदिवासी समाज को उनका पूरा हक दिलाने को प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गई है। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हमने हाईकोर्ट में दमदारी से लड़ाई लड़ी थी। हमारे महाधिवक्ता ने आरक्षण को बढ़ाने के पक्ष में दलीलें रखा, लेकिन पूर्ववर्ती रमन सरकार ने मुकदमे की शुरुआत में जो लापरवाही बरता उसका नुकसान आदिवासी समाज को उठाना पड़ा। इस दौरान PCC चीफ मोहन मरकाम, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री कवासी लखमा और विधायक गुलाब कमरो सहित कांग्रेस के नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने आदिवासी आरक्षण कटौती के लिए भाजपा को दोषी बताया है। आदिवासी समाज को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रदेश में अलग अलग जगहों में चक्का जाम किया है, मगर आदिवासी समाज उनके साथ नहीं है। कोंडागांव में भी उन्होंने चक्का जाम किया था, मगर 500 भी वहां लोग नहीं थे, क्योंकि समाज भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को जानता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत ठीक होती तो ननकीराम कंवर कमेटी के सिफारिश से और चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में जो सिफारिशें थी उनको एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करना था। कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने के कारण ही आरक्षण का जो मुद्दा था हाई कोर्ट में निरस्त हुआ है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तात्कालीन सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे हमारे प्रदेश के आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।